मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है और मैं कराची अभी शिफ्ट हूँ। मैंने अंडर 16 रीजन हैदराबाद से खेला है और अंडर 19 कराची से कराची वाइट्स को रिप्रेजेंट किया है और अभी मैं सिंध अंडर 19 का हिस्सा था। क्रिकेट मेरी, जैसे कि मैं टैप बॉल खेलता था पहले गली में और स्कूल में खेलता था, तो मेरे स्कूल के टीचर थे सर मुहिद्दीन शेख जो हैदराबाद में है, और उन्होंने मुझे फिर अकेडमी ज्वाइन करवाई और उन्होंने मुझे कहा कि आप हार्ड बॉल खेलें, आप में सलाहियतें हैं, टैलेंट है। मेरा फेवरेट प्लेयर है रविंदर जडेजा, वो बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी, और उसकी फील्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी कोशिश है इंशाल्लाह मैं उस जैसा बॉलर, बैट्समैन और फील्डर बनूं और मैं अपनी पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करूँ तो अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। मेरी कैटेगरी दोनों नॉर्मल है, लेकिन एज अ बॉलर खेलता हूँ मैं, बॉलिंग ऑलराउंडर, और अभी अंडर 19 में भी मैं एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेला था। सबसे पहले मैं अंडर 16 खेला था हैदराबाद से, तो माशाल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में टॉप 5 पे था बॉलिंग में, एज अ बॉलिंग में, और फिर मेरा नाम आया पेंटेकुलर के लिए जिसमें अनफॉर्चुनेटली मैं परफॉर्म नहीं कर सका। फिर नेक्स्ट ईयर मैं कराची शिफ्ट हो गया था और उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट खेली, उसमें परफॉर्म किया तो मेरा कराची वाइट्स के लिए नाम आया। अंडर 19 रीजन का कैंप लगा हमारा, फिर उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हो सका 15 रुकनी स्क्वाड में, तो उसके अगले साल जो अभी करंटली 19 हुई, सिंध की और रिप्रेजेंट किया मैंने, और उसमें माशाल्लाह मैं परफॉर्म करने में कामयाब हुआ अल्लाह पाक की मेहरबानी से, और उसमें मैं टॉप 4 पे था वन डेज में भी, 3 डे में भी, और 3 डे का बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना, जिसकी बेस पे मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2022 में होने वाला है उसके लिए सिलेक्ट किया गया। अंडर 19 में रिसेंटली बलूचिस्तान से हमारा मैच था 3 डे का, उसमें मैंने 9 विकेट्स हासिल किए और 84 रन भी किए, वो मेरा बेस्ट करियर ऑफ द मैच था। मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ फील्डिंग को, क्योंकि फील्डिंग ऐसा रोल होता है जो हमारे हाथ में होता है, बैटिंग बॉलिंग तो दिन होता है, जिसका दिन होता है वो अच्छा करता है, और फील्डिंग मेरे हाथ में होती है, कोशिश होती है फील्डिंग में अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ जो टीम को फ़ायदा हो। देखें, फील्डर अच्छा होने के लिए एक तो आपका फोकस ज़रूरी है, जब आप फील्डिंग में फोकस होंगे तो आप हर बॉल पर जा रहे होते हैं, और इन्जॉय करना चाहिए फील्डिंग में, जितना ज़्यादा इन्जॉय करेंगे उतना अच्छा होगा आपसे। मैं पॉइंट पे फील्डिंग करता हूँ जो बहुत ज़्यादा मुश्किल जगह होती है, लेकिन पॉइंट पे मज़ा आता है क्योंकि डाइविंग ज़्यादा चांस होते हैं उसमें, डाइव मारने के या कट मारता है बैट्समैन उसको पकड़ने के, तो और वैसे शॉर्ट मिड है, मिड ऑन है, तो वहाँ भी अच्छे चांसेस, मेरी कोशिश होती है वहाँ जाऊँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बॉल आए। अंडर 19 में परफॉर्म करके PSL का हिस्सा बनूं और PSL के ज़रिए, जैसा कि आपको मालूम है, आसानी से पाकिस्तान टीम के लिए आ सकते हैं, तो PSL में अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। इस साल तो मैं क्वेटा ग्लेडिएटर को सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि उसमें क्रिस गेल आए हैं जो मेरे फेवरेट प्लेयर भी हैं, बिग हिटर हैं, तो इस साल क्वेटा के लिए सपोर्ट है मेरी। माशाल्लाह शाहिद भाई हैं और रजाक भाई, उनको हम शुरू से बचपन से देख रहे हैं, उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, तो मेरी भी ख्वाहिश है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ऑलराउंडर बनूं, जो कि अभी हमारी टीम में ज़रूरत है, ऐसा ऑलराउंडर बनना है जो पावर हिटर और बॉलर। उस टाइम पे मैं एकेडमी में था जस्ट IKCA में, और वहाँ पर मैं AC का काम करता था, दिन में मैं काम पे होता था, मैं काम इस बेस पे लगा था, मैं उस्ताद से मैंने कहा दो घंटे रोज़ाना मुझे एकेडमी के देंगे आप तो मैं आपके पास काम करूँगा। वैसे ज़रूरत नहीं थी मुझे, लेकिन मेरा शौक़ था इसलिए मैं उनसे काम भी करता था और 2 घंटे एकेडमी करता था रोज़। सबसे अहम रोल है मेरे अब्बू का, क्योंकि मेरे अब्बू ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं यहाँ पर हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं था। अगर मेरे वालिद साहब मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज यहाँ नहीं होता, और मेरे सर मुहिद्दीन शेख। हर चीज़ जल्दी नहीं मिलती, मुश्किल होती है, स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग की तो मैं यहाँ पर हूँ, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिल से जान से सिला अल्लाह ताला देते हैं, मेहनत आपके हाथ में, आप सच्चे दिल से मेहनत करो, बेशक मिलता है, देर से मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो थोड़ा सा मैंने खेला, काफ़ी स्ट्रगलिंग की, मैं हिम्मत हार भी गया था लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, तो आप गिव अप ना करें, और छोटे लेवल पर आपकी कोशिश हो कि मुझे बड़ा जाना है, मैं सबसे अच्छा हूँ, जब आप ग्राउंड
ग्राउंड में उतरे हो तो आप बेस्ट हो, को सामने वाले नहीं, आपके हाथ में बोल है, आप बेस्ट हो, आप कर सकते हो। अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए हर काम करने के लिए।